हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और एचआरटीसी की पठानकोट से त्रिफाल घाट जा रही बस की तेज रफ्तार टेम्पो से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं तो एक दर्जन सवारियों को चोटें पहुंची हैं, जिनका इलाज नजदीकी बोटा अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि एचआरटीसी बस की खिड़कियों के सारे शीशे भी टूट गए हैं। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की बस दोपहर बाद पठानकोट से त्रिफाल घाट रूट पर जा रही थी कि तीखे मोड़ पर आगे से तेज रफ्तार टेम्पो के अचानक नियंत्रण खोने पर बस से टकरा गया, जिस कारण दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अंदर बैठी सवारियों को भी चोटें आई हैं। वहीं एसएचओ हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि बस और टेम्पो की टक्कर के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की है और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।